हेलो गाइस, ये वीडियो बनाने का रीजन ऐसा है, मैं थोड़ा फास्ट बना रहा हूँ। पीछे देख सकते हैं, मैं यही बैठा हूँ, यही काम करता है। मेरा छोटा सा ऑफिस है और थोड़ा सेटअप भी देख पा रहे होंगे। नई मशीन हमने लॉन्च किया है, एक्सपोजर यूनिट पैलेट, यही प्रिंट करता हूँ। नीचे बॉक्स और एक थोड़ा टूर दे देता हूँ, यही में लाइटिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग सब। इसके बाद जो भी वीडियोज बनेंगे यही बनेंगे। तो एक छोटा सेटअप है मेरा, अब दिखाई देता हूँ आपको। थोड़ा काफी छोटा सेटअप है, यही पानी, हीट प्रेस, शटर डाउन है फिलहाल। तो यही मैं काम करता हूँ। तो ये वीडियो बनाने का रीजन ऐसा है कि मुझे यार दिक्कत ये जा रही थी कि पानी का कनेक्शन नहीं है, पानी नहीं है, और ये फर्स्ट फ्लोर पे है, पानी नहीं है, और पानी जो आता भी काफी दूर है, प्रेशर नहीं है। तो अगर आपको, आपके पास भी जगह कम है या फिर पानी की दिक्कत है, पानी में प्रेशर नहीं आ रहा है, अगर है आपके पास जगह भी अच्छी, पानी में प्रेशर भी, तो आपको ये इसका कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। आप सिंपल पाइप लीजिए, वॉश कीजिए, दैट्स इट। गन लीजिए, पर मैं स्प्रे गन का जरूर रिकमेंड करूंगा, एक स्प्रे गन ले लीजिएगा। 200-300 रुपए में अमेजोन पे आराम से मिल जाती है, लोकल मार्केट में भी मिल जाती है। स्टील वाली लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। पर यहाँ दिक्कत क्या है, तो पानी में प्रेशर और पानी अवेलेबल नहीं होने की वजह से मुझे स्क्रीन जब मैं वॉश करता हूँ तो काफी तकलीफ जाती है। तो मैंने एग्जैक्टली थोड़ा वो सोल्यूशन उसका निकाला। ये पानी की टंकी है हमारी, मैंने ये मार्केट से ली है 350 रुपए की। ये अगर मैं ऐसे बोलूँ तो 30 इंच है, ऐसे बोलूँ तो 20 इंच, और इसके अगर मैं हाइट की बात करूँ तो ये 7 इंच की है। तो आप इस तरह की टंकी बना सकते हैं, आपके एरिया में इजिली अवेलेबल होगी तो आप खरीद भी सकते हो। उसके बाद मैंने ये लिया है, उसको बोलते हैं पॉलीकार्बोनेट शीट। ये ट्रांसपेरेंट शीट लेने का रीजन है, मैं आपको वो बता देता हूँ। जब हम स्क्रीन धोते हैं, बहुत बार क्या होता है कि स्क्रीन में थोड़े पिन होल्स रह जाते हैं, छोटे छोटे होल्स या डिफेक्ट्स रह जाते हैं। वो लाइट में देखने के बाद भी हमें पता चलता है कि हाँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, अंधेरा हो तो नजर नहीं आता। तो मैं इसके पीछे क्या करने वाला, थोड़ा सा एलईडी की एक स्ट्रिप या फिर एलईडी की छोटी मोटी एक लाइट लगा दूंगा फ्यूचर में, अगर जरूरत पड़े तो। क्या ये मेरी, इसमें ब्राइटनेस अच्छी खासी है, लाइट्स अच्छी, तो मुझे उतना दिक्कत जाएंगी नहीं। पर अगर मुझे लगता है तो इसके पीछे मैं लाइट लगा के वॉश करते वक्त ही देख सकता हूँ कि हाँ डिफेक्ट्स है कि नहीं। तो उससे आपका टाइम और आपका डिफेक्ट्स फाइंड आउट करने का जो टाइम होता है वो जल्दी बहुत ज्यादा बच जाएगा। तो आप इस तरह का एक सेटअप लगा सकते हैं। स्टैंड मेरे पास पड़ा है। अब पानी को प्रेशर अगर आपका पानी में चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो मैंने सिंपल क्या किया, ये पंप मिलता है अमेजोन पे, प्रेशर पंप मिलता है, और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ताकि आपको भी अगर लेना हो तो आपको दिक्कत ना जाए। कोई एडाप्टर के साथ लीजिएगा, इतना याद रखिएगा, एडाप्टर के साथ ये लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, जो गन है, इस तरह की गन आप ले सकते हैं, ये थोड़ी महंगी आती है, अगर अमेजोन पे देखोगे थोड़ी महंगी आती है, पर प्लास्टिक वाली भी मिलती है, उससे भी काम हो जाता है। रिकमेंड अगर करूंगा तो ये करूंगा, अगर आप ले सकते हो ये वाली गन भी, जिसमें प्रेशर अच्छे से निकलता है, जो वाटर के ड्रॉपलेस निकलते जिस तरह से निकलते वॉशिंग के लिए थोड़े अच्छे थे, रिकमेंड कर रहा हूँ मैं आपको लेना होगा तो। या फिर नल में प्रेशर अच्छा है आपका, डायरेक्टली आप नल के पाइप से भी वॉश कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद मैंने पाइप लिया है, थोड़ा प्रेशर के हिसाब से थोड़ा थीक पाइप है, तो थोड़ा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है, थोड़ा थीक है। तो आप इस तरह का छोटा सा सेटअप बना सकते हैं। इसका जो खर्चा है 1200 से 1500 रुपए का आपका आएगा। पर अब आप देख पाओगे कि मेरे छोटे से ऑफिस में जहां मैं काम करता हूँ, साइड बाय साइड में मैं प्रिंट करता हूँ, सैंपल्स क्रिएट करता हूँ, जो भी मेरे को ट्रायल एंड एरर लेना होता है वो सब चीजें यही करता हूँ, यही वॉश करता हूँ, उसके बाद फ्रेम को यही सुखाता हूँ हेयर ड्रायर से लगाने के बाद, फिर यही मैं एक्सपोजिंग करता हूँ कॉम्पैक्ट जगह में, एक्सपोजिंग करने के बाद यही मैं प्रिंट करता हूँ। अगर मैं सब ओके रहा, हर चीज अच्छी रही, तो उसे मैं फाइनल करता हूँ। तो आपके पास भी अगर जगह की कमी होगी तो आप इस तरह का छोटा मोटा सेटअप लगा सकते हो, रिकमेंड भी है, आप लगाइए, आपके लिए भी यूजफुल रहेगा। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।